तो फाइनली गाइस यहाँ पर MIUI 14 मैंने अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया, और जैसा कि मैंने सुबह ही वीडियो बना के बताया था कि MIUI 14 आज लॉन्च होने वाला, और लॉन्च हो चुका। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दी थी, लॉन्च इवेंट का लिंक दिया था, सब कुछ दिया था, और MIUI 14 को इंस्टॉल करते टाइम मैंने सारी चीज़ें बताई थी कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनली मैंने अपने डिवाइस के अंदर इसको इंस्टॉल कर लिया। ये डिवाइस है MI 11X, और आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो इसके ऊपर वीडियो देखिए, कौन कौन से डिवाइस सपोर्ट करते हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम में चैनल पर बता दिया, वीडियो भी आएगी उसका आप जरूर से वेट करना। बट ये MIUI 14 जो कि मैंने अभी अभी डाला है अपने डिवाइस के अंदर, मैंने सोचा भाई इसका सेटअप पेज वगैरह आपको भी पता चले, सेटअप पेज में क्या क्या चेंज हुए वो सब कुछ आपको दिखना चाहिए, होम स्क्रीन पहले लुक में कैसे देखने को मिलेगी वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। अब देखो बस ये है बिल्कुल यहाँ पर होम स्क्रीन पे, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देखने मिलता है। अब सीधे डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ इस तरह से इसका सेटअप पेज जो हमें देखने को मिलता है। ये वाईफाई वगैरह यहाँ पर ऑप्शंस है, और ये एनिमेशंस वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। बट मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, ये जो अभी ओनली फॉर चाइना के अंदर है, अभी ग्लोबल और इंडिया में आने में टाइम लगेगा, तो इसका आप जरूर से वेट करना है। एनिमेशंस वगैरह देख सकते हो काफी ज्यादा काम किया गया जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, और ये देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी चीजें दी गई है भाई, इनको आप बंद भी कर सकते हो। कौन कौन सा आपको होम स्क्रीन पर शॉर्टकट चाहिए उससे पूछा जा रहा है, आप इसको भी बंद चालू कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ चालू रहने देते हैं, और यहाँ पर हम फुल स्क्रीन गेस्चर को जो चालू रहने देते हैं। और ये हमारे यहाँ पर सेटअप पेज, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्वाइप टू होम कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब ये रिस्टोर के नहीं लिखा रहे, रिस्टोर पर हम टाइप करेंगे जितने भी एप्लीकेशन है वो हमारे यहाँ पर वापस आ जाएंगे। आप देखो भाई जैसे कि भाई MIUI 14 के अंदर आइकन वगैरह का जो साइज था वो चेंज होने वाला था, तो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हम सेटिंग में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ माई डिवाइस में, ये रहा यहाँ पर MIUI 14 ऑफिशियली। अब कोई भी भाई लीक वगैरह फेक वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ऑफिशियल यहाँ पर आपको देखने मिलता है। कंट्रोल सेंटर भाई वही पुराना वाला है, नया वाला नहीं दिया गया जैसे कि कंट्रोल सेंटर की लीक निकल के आई थी, तो भैया वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हम देखते हैं और क्या क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम टैप करते हैं, देख सकते ये रहा यहाँ पर MIUI 14 जो कि वीकली अपडेट है डेवलपर वर्जन का, जो कि देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। और ये देखते डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स, ये देखने को मिलता है पहले ऑल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता था, और इसके अंदर MIUI 14 के साथ एंड्रॉइड 13 का अपडेट हमें देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे डिवाइस में ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलता है, जो जो डिवाइस एंड्रॉइड 13 को सपोर्ट करता है उन्हीं को सबसे पहले अपडेट दिया जा रहा है, अदरवाइज जिनके अंदर एंड्रॉइड 12 है उनको थोड़ा लेट अपडेट मिलेगा, जैसे कि MIUI 13 के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अब देख सकते हो ये रहा मेरा MI 11X डिवाइस, 6GB प्लस 2GB इसके अंदर बड़ा हुआ है। और यहाँ पर अभी हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि और ज़्यादा बढ़ने का ऑप्शन आया कि नहीं आया, यहाँ पर हम चलते हैं और ये रहा यहाँ पर ये मेमोरी एक्सटेंशन, इस पर टैप करते हैं और देख सकते हो इसमें हम 3GB और 5GB तक और बढ़ा सकते हैं। पहले क्या था 2GB तक ही बढ़ा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर 5GB तक आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो, तो ये चेंज देखने को मिल जाता है। अब बाकी यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले में जाने के बाद, तो ये रहा यहाँ पर हमारा, ये देख सकते हो ये भी अभी भी पुराना वाला ही है भाई, नया वाला तो दिया ही नहीं, तो MIUI 14 में क्या चेंज हुआ मेरे को तो अभी कुछ सही से पता नहीं चल रहा। मैं वीडियो बनाऊंगा क्या क्या चेंजेस मिले उसके लिए आप जरूर से वेट करना। बाकी आइकन वगैरह पर हम टैप करके देखते हैं, ये रहा भाई यहाँ पर इसका आप देख सकते हो सेट आइकन और विजिट पर टैप करेंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पर विजिट वगैरह जो ये कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाते हैं, तो इसको हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख सकते सेट आइकन पर हम टैप करते हैं और ये थीम वगैरह देखने को मिलती है, और यहाँ से हम इसका जो आइकन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं इस तरह से। बाकी हमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, अच्छे से मैं आपको समझा के भाई वीडियो बनाऊंगा उसमें आप जरूर से देख लेना। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ बस क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आइकन वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे ही, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। कैमरा एक बार ओपन करके देख लेते हैं, तो कैमरे में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो भाई देख सकते हो ये कैमरा यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हुआ है। वीडियो मोड है, प्रो मोड है, वही सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज तो मेरे को लग नहीं रहा, कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी फुल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा उसमें हम मैं आपको ए टू जेड सारे चेंजेस बताऊंगा। बाकी देख लो भाई कंट्रोल सेंटर पहले के जैसा ही है, वॉल्यूम बटन जो ये भी भाई पहले के जैसे ही है, यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम बार आ गया, ये भी पुराने जैसे ही है। और यहाँ पर पावर मेन्यू देख लेते हैं, तो ये हमारा ये आ गया भाई, इसको हम बंद कर देते हैं एक बार, तो ये बंद हो जाए भाई। अब पावर मेन्यू हम देख लेते हैं, तो पावर मेन्यू जो नया वाला, और देख सकते हो ऊपर लिखा है प्रो यानी कि PO लिखा हुआ, नीचे लिखा है RE यानी कि यहाँ पर पावर, और यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑफ यानी कि, और ये हो गया रिबूट, तो शॉर्टकट में लिखा हुआ जो कि देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। ये भाई वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन जो कि कुछ इस तरह से, और नए वॉलपेपर आप देख सकते हो MIUI 14 के कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में जाने के बाद ये देख सकते हो ये रहे यहाँ पर वॉलपेपर्स MIUI 14 के, जो कि यार देखने में यार काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं भाई, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आए, तो आप बताना आपको कैसे लगे। तो ये छोटा सा था, बाकी यार मैं अभी इसको थोड़ा और टेस्ट कर लेता हूँ। बाकी देखो जो जो मेन था वो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर जो वही पुराना वाला, नया वाला नहीं आया, वॉल्यूम बार भी वैसे ही, पावर मेन्यू चेंज हो चुका है जो कि ठीक है, बाकी सेम है, बस लोगो वगैरह चेंज है। बाकी मैं और टेस्ट करूंगा और
देखूंगा क्या क्या मिले, अंदर अंदर घुसूंगा, जो जो मेन चीज थी वो मैंने आपको दिखा दी है। जैसे कि आइकन का साइज दिया गया था कि आप आइकन के साइज को चेंज कर सकते हो, तो हाँ वो चीज इसके अंदर हो रही है, जो कि यार काफी अच्छा मेरे को देखने में लगा। बाकी इसका वेट करना फुल रिव्यू वीडियो का, ये छोटी सी एक वीडियो बनाई थी MIUI 14 की। आई होप आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।